दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने बदमाशों के बीच गैंगवार की खबरें बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने कुत्तों और बंदरों के बीच गैंगवार की खबर को सुना है? बेशक आपको ये सुनकर हंसी आ रही होगी या हमारी बात पे विश्वास नहीं आ रहा होगा, लेकिन महाराष्ट्र के बीड जिले में कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ काफी दिनों से बंदरों और कुत्तों के बीच गैंगवार चल रहा है। इसमें अब तक लगभग 250 से अधिक पिल्लों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों इसके विषय में पूरी जानकारी दूंगा कि आखिरकार ये खूनी जंग क्यों चल रही है और इसकी शुरुआत कब से हुई है, आखिरकार बंदर क्यों पिल्लों के खून के प्यासे हो गए और स्थानीय लोगों को इन समस्या के कब छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने कान्हा की चुगली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों यह घटना मजल गांव के लाउल गांव की है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक यह जंग पिछले 3 महीनों से चल रही है। बंदर कुत्तों पर हमला करते हैं तो कुत्ते बंदरों पर टूट पड़ते हैं। इस जंग में उछल कूद मचाने में माहिर बंदर भारी पड़ रहे हैं। मौका पाते हुए बंदर कुत्ते के पिल्लों को लेकर ऊंचे जगहों पर चढ़ जाते हैं और वहां से फेंक कर जान ले लेते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जंग इस इलाके में तब शुरू हुई जब कुछ कुत्तों ने बंदरों के एक बच्चे को मार डाला। दोस्तों दो खूंखार बंदर पकड़ लिए गए। लाउल गांव के एक निवासी का दावा है कि ये दो बंदर कम से कम 200 पिल्लों को कथित तौर पर मार चुके हैं। दोस्तों एक ग्रामीण ने बताया कि दो बंदर पिल्लों को अपने साथ ले जाते थे। ऐसी घटनाएं पिछले 3 महीनों से देखी जा रही थी। ये दो बंदर पिल्लों को अपने साथ ले जाते थे और घरों की छत या ऊंचाई वाले किसी अन्य स्थान पर रखने का काम करते थे। इतनी ऊंचाई पर इन पिल्लों को भोजन या पानी उपलब्ध नहीं होता था, इसलिए वो दम तोड़ देते थे। यही नहीं, पिल्ले कभी कभी ऊंचाई से गिर जाते थे जिससे उनकी मौत हो जाती थी। अब इन बंदरों से बचकर भागने के दौरान कुछ लोग भी चोटिल हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए मजेदार जानकारी। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।